श्रीनगर में आतंक है, आपको बता दें आतंक का आतंक हो रहा है। पटोली गांव में एक गुलदार मारा गया, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, मादा गुलदार का शव कब्जे में ले लिया है। पौड़ी में गुलदार का पोस्टमार्टम होगा। क्षेत्र में अभी भी दो अन्य गुलदार घूम रहे हैं, मादा गुलदार के मरने पर दोनों को आक्रामक हो सकते हैं, गांव में दहशत का माहौल है। तो आपको बता दें कि एक मादा गुलदार को मार गिराया गया है और ये भी आशंका जताई जा रही है कि जो अन्य दो गुलदार इलाके में घूम रहे हैं वो और भी ज्यादा आक्रामक अब हो सकते हैं, जबकि मादा गुलदार को मार गिराया गया है। पिथौरागढ़ मुख्यालय के करीब कीतड़ मोटर मार्ग में सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि जीप चालक बिना ब्रेक लगाए जीप छोड़कर कहीं निकल गया था, इतने में जीप लुढ़ककर गहरी खाई में जा गिरी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक मयूख मेहर मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों को सरकार की ओर से पूरी मदद दिलाने का भरोसा दिया। इस सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि जीप से हादसा हुआ है जिसमें दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, पांच लोग घायल हो गए। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को उत्तराखंड में भी श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस पदाधिकारियों ने जहां कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि दी, तो वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने कलाम को श्रद्धांजलि दी। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के जाने से पूरे देश और समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है। जिस तरह का डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने देश को एक दिशा दी वैज्ञानिक के रूप में, और परमाणु बम विस्फोटक के रूप में यदि मैं कहूँ तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ उनका एक बहुत बड़ा योगदान। केदारनाथ के कपाट खुलने के दौरान प्रधानमंत्री को नहीं आने देने का सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े किए, जिस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को नहीं रोका और वो खुद निमंत्रित करने जा रहे थे। हमारा सौभाग्य है और मैं चाहूंगा यदि सतपाल महाराज की एंट्री है वहां तक तो वो निमंत्रित कर दें, नहीं तो मेरा खुला निमंत्रण है, मैं खुद मिल करके उनको निमंत्रित करने के लिए तैयार हूँ। सतपाल महाराज के 2006 से लेकर 2008 तक टाटा मोटर्स को जमीन दिए जाने के मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुटकी ली। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सतपाल महाराज राजभवन जाने से पहले ये पता करना भूल गए हैं कि 2007 और 2008 में राज्य में बीजेपी की सरकार थी। साथ ही कहा कि घर में जो नया सदस्य होता है वो सच बोलता है, ऐसे में बीजेपी के भ्रष्टाचार के बारे में अनजाने में सतपाल महाराज सच बोल गए। कभी कभी जो घर का सबसे नया सदस्य होता है उसके मुंह से सत्यता निकल जाती है, तो सतपाल महाराज के मुंह से भी सत्यता निकल गई और उन्होंने भाजपा के घोटाले की ही सीबीआई जांच की मांग कर दी। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, अनंतो गत्वा। उन्होंने ये तो समझा कि भाजपा के समय में इतने घोटाले हुए हैं, यदि सीबीआई की जांच करनी है तो उस समय के कार्यकाल की होनी चाहिए। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 2012 के विधानसभा चुनावों के लिए जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने रखा था उस पर जमकर मंथन हो रहा है। सीएम हरीश रावत कई मंत्रियों के साथ कांग्रेस भवन पहुंचे और लगभग पांच घंटे लंबी कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लगभग सवा घंटा बैठक में भाषण देते हुए सरकार की अभी तक की बाकी रह गई घोषणाओं को पूरा करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा सभी घोषणाओं को पूरा करने की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि उन्हें खुशी है कि मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों के साथ कांग्रेस भवन में आकर अपनी तमाम बातों और अभी तक की घोषणाओं के बारे में बताया। हमने डेवलपमेंट का एक बड़ा अच्छा लॉन्चिंग पैड बना दिया है। इस समय हम लगभग 9.5% की वार्षिक दर से ग्रो कर रहे हैं और पर कैपिटा इनकम में हम देश के अंदर हाईएस्ट हैं, फर्स्ट 2-3 के अंदर सम्मिलित हैं।
बेटियों को बचाने के लिए भले ही सरकार गंभीर हो लेकिन इसका असर समाज में तो दिखाई नहीं दे रहा। राजधानी दून में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां एक मां को दो बेटियों को जन्म देने की सजा दी जा रही है। एक तरफ देश में बेटी बचाओ का अभियान चलाया जा रहा है, बेटियों की घटती संख्या पर चिंता जताई जा रही है, तो दूसरी तरफ बेटियां समाज में आज भी उपेक्षा झेल रही हैं। राजधानी देहरादून में भी एक महिला और उसकी मासूम बेटियों के साथ ऐसा ही सलूक हुआ है। सेलाकुई की रहने वाली कविता को दो बेटियों को जन्म देने की सजा भुगतनी पड़ रही है। सजा इसलिए क्योंकि कविता को उसके पति ने सिर्फ इसलिए अपने आप से दूर कर दिया क्योंकि उसने दो बेटियों को जन्म दिया है। पति दो बेटियों के जन्म को खुद पर बोझ समझ रहा है, इसलिए उन्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं। पति के सितम का शिकार एक माँ इंसाफ के लिए भटक रही है। कहने लगा क्या ना, वो उसके बाद दो तीन साल बाद ये लड़की हो गई थी बड़े वाली। कहने लगा क्या, फिर उसके बाद दो साल बाद ये छोटी लड़की होगी। फिर उसके बाद कहने लगा कि मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा और ना ही मैं तुझे खर्चा दूंगा, तो क्योंकि तेरे पे बेटियां हुई है ना, इसलिए मैं तुझे रखूंगा नहीं। पति को तो अपनी पत्नी और फूल सी दो बेटियों की परवाह नहीं है, लेकिन हाँ कविता की ननद उसके साथ जरूर खड़ी है। कविता की ननद भी मानती है कि कविता के साथ ज्यादती हो रही है। कविता राज्य महिला आयोग से लेकर एसएसपी दफ्तर के चक्कर काट रही है, लेकिन सुनवाई न होने का दर्द उसे साल रहा है। यहाँ एसपी के पास में दो दफा आ चुके हैं, यहाँ इन्होंने कोई सुनवाई नहीं। इन्होंने हमने एप्लीकेशन दी, इन्होंने वापस दे दी कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी जब तक एड्रेस नहीं होगा। अब महिला आयोग में भी दो बार तारीखें लग चुकी हैं, कुछ नहीं हो रहा। एसपी देहात मामले को गंभीर मानते हुए जल्द कार्रवाई की बात तो कहते हैं, लेकिन अब तक हुई पुलिस की लापरवाही का उनके पास कोई जवाब नहीं। महिला हेल्पलाइन में बुलाएंगे और उनकी काउंसलिंग करेंगे, पहले दिन देखते हैं कि क्या इसमें कार्रवाई कर सकते हैं और यदि पाते हैं कि इसकी गलती है तो सुसंगत धाराओं के खिलाफ कार्रवाई की। 21वीं सदी में वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले समाज की सोच कितनी संकीर्ण है, इसका दर्द कविता के चेहरे पर साफ दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है कि बेटियों को बोझ समझने वाले समाज के इस हिस्से की मानसिकता पर आखिर कब लगाम लगेगी और कब तक इसका दंश मासूम बेटियां झेलती रहेंगी। सुदीप जैन, देहरादून, समाचार प्लस। चारधाम यात्रा मार्गों पर बने स्लाइडिंग जोन नासूर बने हुए हैं। सालों से इस मुसीबत का स्थायी हल ढूंढने की कोशिश हो रही है, मगर नतीजा हर बार सिफर ही रहता है। ऐसे में सरकार एक बार फिर इसके ट्रीटमेंट की कोशिश में जुटी है। गढ़वाल उपायुक्त का कहना है कि भूस्खलन जोन का निरीक्षण कर समाधान ढूंढा जा रहा है, कार्य योजना बनाकर यहाँ ट्रीटमेंट किया जाएगा। पिछले 5 दशकों से मुसीबत बने सिरोबगड़ भूस्खलन जोन के लिए कार्य योजना तैयार हो चुकी है। छाती खाल में 90 डिग्री के भूस्खलन जोन को काटकर 60 डिग्री किया जाएगा। बरसात खत्म होते ही पीडब्ल्यूडी इस पर काम शुरू कर देगा। एक्चुअली यहाँ पे एक तो जो ये बगल में ही जो हमारा धारी देवी के बगल में सिरोबगड़ है, वहाँ के लिए एक कार्य योजना तैयार कर रखी है, क्योंकि अभी इस समय बारिश आ गई थी तत्काल, इसलिए हो नहीं पाया है। तो ऊपर से जो ये 90 डिग्री एंगल से बना है आजकल, तो उसको पूरा 60 डिग्री करके काट के कराएंगे। और तो इस तरह से भी जैसे अन्य जगह हैं वहाँ पे हमारे मध्य द्वार में कई जगह भ्रमण किया जा चुका है, तो इसी तरह से हर जगह देखा जा रहा है कि कैसे भूसंदोलन होकर ये कार्य किया जा रहा है। राजधानी दून में वकील की पिटाई मामले में आरोपियों की कोर्ट में पेशी के दौरान जमकर हंगामा हुआ। बवाल के बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई और बड़ी मुश्किल से आरोपियों को कोर्ट से निकालकर जेल पहुंचाया गया। हंगामे के दौरान एसपी सिटी ने खुद मोर्चा संभाला और अधिवक्ताओं को शांत कराया। इस दौरान कुछ उपद्रवी किस्म के लोग आरोपियों को पीटना चाहते थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते ऐसा नहीं हो सका। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले अधिवक्ता आशुतोष गुलाटी पर कोतवाली इलाके में हमला हुआ था, जिससे नाराज वकीलों ने हड़ताल करने के साथ भारी विरोध दर्ज कराया था। चूंकि कानून की एक भी प्रक्रिया चली है, जुडिशियल रिमांड पर मुंजिम है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि कोई भी मुंजिम आए तो सेफली उसको माननीय जो वहाँ पर जेल में भिजवाया जा सके, और जो विरोध रहता है, जो उनका यहाँ विरोध है, उसको प्रकट करने के लिए विभिन्न तरीके लोग उसी का एक तरीका ये भी मैं मानता हूँ। बाकी जो हमारा काम है कानून व्यवस्था बनाना, उसको पूरी तरह से बनाया जाएगा।